सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठी थी 2:30, और नहा धोने के बाद बच्चों को उठाया, बच्चों को नहला दिया मैंने। यहाँ पर बैग रेडी हैं और बस कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको, बहुत सारे लोगों ने गेस कर भी लिया होगा। और बस यहाँ पर देखिए, रवनूर इकनूर को मैंने नहला दिया था, तो कॉम मैंने अभी नहीं किया, बिकॉज मैंने बोला कि लंबा सफ़र है तो बाद में मैं कॉम कर दूंगी, बिकॉज अभी भी इन्होंने सोते हुए जाना है। तो बस जस्ट 5-10 मिनट्स में, थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, हम निकल चुके थे और बारिश हो रही है। सुबह जब मैं 2:30 बजे मैं जब उठी थी 2:30, तब भी बारिश हो रही थी। वेदर बहुत अच्छा है, आगे कैसे होगा पता नहीं, बट फिलहाल इस टाइम तक तो काफ़ी अच्छा वेदर है। बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम लगी हुई है। तो बस चलिए चलते हैं, एक सफर की शुरुआत करते हैं, आपको साथ में लेकर चलते हैं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहुँच गए थे दिल्ली बाईपास पर। ये 6वें पातशाह गुरु हरगोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा पड़ता है, तो यहाँ पर जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर मत्था ज़रूर टेक के जाते हैं। तो ये कह रहे थे कि बारिश हो रही है, बच्चों को अंदर ही रहने दो, चलो मैं यहीं से बाहर से ही मत्था टेक लेता हूँ। तो बस अब हम निकल जाएंगे आगे के लिए, दिल्ली बाईपास हम बस दिल्ली क्रॉस करने वाले हैं हम थोड़ी देर में। ये देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रही थी, इकनूर सो चुकी थी, रवनूर को भी नींद नहीं आ रही थी तो वो बैठी हुई है। और यहाँ पर हम रुके थे कि डीजल भरवा लेते हैं और चलिए। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अम्बाला। जी हाँ, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे हैं पंजाब। तो बस अम्बाला के अंदर एंटर कर चुके हैं, दिन भी हो चुका है, टाइम हो रहा है इस टाइम 8:35 आई थिंक टाइम हो रहा था। बच्चे उठ चुके थे, बच्चों को लग रही थी भूख, तो बस हमने कहा रुकते हैं। यहाँ पर है चंडीगढ़िया दा ढाबा और ये गुरदास मान का ढाबा है, और हम यहीं पर ही रुकते हैं जब भी हम पंजाब जाते हैं। तो बस यहाँ से कुछ खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, यहाँ के परौंठे बहुत अच्छे होते हैं। तो बस अब हम थोड़ा सा स्टे करेंगे और इकनूर को दवाई देनी है, बिकॉज उसको हल्का हल्का सा फीवर है। नहीं, आलू वाला भी लिया सी और मिक्स, थोड़ा मिक्स मंगा लें। हाँ, ये आलू पराठा, आलू प्याज, आलू प्याज, आलू प्याज, एक आलू प्याज, एक मिक्स इधर आलू, फिर कैसे, एक आलू प्याज और एक मिक्स। चाय ये पानी ले जाओ, पानी नहीं लेना, पानी नहीं लेना।
बस हमने नाश्ता कर लिया था, दवाई दे दी थी मैंने, और अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, और मैं बता दूं कि हम पंजाब क्यों जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बाबा जी की कृपा से हमने ये न्यू गाड़ी ली है, तो बस हम मत्था टेकने जा रहे हैं गुरुद्वारे। तो और संडे को इनके पापा को कोई काम था वहां पर, सो दैट्स व्हाई हमने कहा सैटरडे संडे बच्चों का ऑफ है तो हम निकलते हैं। Hey guys, good morning. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आपने देख ही लिया है, हम निकले हुए हैं सुबह से। सुबह 5 o'clock हम निकल गए थे और इस टाइम हो रहा है 10:15। तो हम निकले हैं पंजाब के लिए और बच्चे जा रहे हैं अपने नानी हाउस। नानी हाउस मीन्स मम्मा का नानी हाउस। पंजाब नहीं जी, आपका ही नानी हाउस है, मतलब मेरा मायका पंजाब वाला। तो यहाँ पर मेरे ताया जी रहते हैं, ताया जी की फैमिली रहती है। तो बस वहां के लिए निकले हुए हैं। सैटरडे संडे ऑफ था बच्चों का, तो हमने कहा कि चलो हमें गुरुद्वारा साहब भी जाना था, वहां पे मत्था टेकने, तो कि चलो 2 दिन हम लगा देते हैं, मौसम भी अच्छा है। तो बच्चे सोते हुए आ रहे हैं, बीच में हम रुके थे पीछे ब्रेकफास्ट करने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, बिकॉज घर से हम ऐसे ही निकल आए थे। तो बस और अब हम जस्ट रुके हैं, थोड़ी सी फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, पापा गए हैं इनके। और इग्नोर कंटिन्यूसली सो रही है, थोड़ा सा इसे कल से परसों से कोल्ड हो रहा था। ये रही रवनूर, कैसे हो? ठीक हूँ, मैं कैसी हूँ ये? और ठीक है भाई, ठीक है। सो चलिए अभी हमें यहाँ से लग जाएगा 1-1.5 घंटा और लग जाएगा आराम से घर पहुँचते पहुँचते। तो चलिए एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छी चीज यही है कि वेदर बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, कि जैसे एकदम से बहुत ज्यादा एकदम धूप होती है ऐसा मौसम नहीं है। दिल्ली में तो आज सुबह बारिश हो रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी धूप मिली थी हमें बीच में रास्ते में, बट अब फिर क्लाउडी सा हो गया है और मतलब अच्छा मौसम है, हम ये नहीं बोल सकते कि गर्मी है। सो दैट्स वाई कि हमने बोला था कि मौसम ठीक है और 2 दिन बच्चों को ऑफ भी है, इनके पापा को आना ही था संडे को कल किसी काम से, तो फिर ये कहते हैं कि चलो हम गुरुद्वारे मत्था भी टेक आएंगे और बच्चों को घुमा भी देते हैं, 2 दिन के लिए चलते हैं। तो बस फटाफट से रात को प्लान बना, हमने पैकिंग की, 2-2 कपड़े डाले और निकल पड़े हैं हम। बस आज हम जा रहे हैं, कल हमारी वापसी घर के लिए होगी। तो चलिए अभी तो फिलहाल बड़े खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ठीक है खुशी होती है घर जाने की। गॉगल्स लगा के कौन सोता है? अरे फिर क्या हो गया, सपने में कहीं जाना पड़ जाता है ना घूमने घामने। अरे सपने में घूमने जाना पड़ जाए, सपने में घूमने जाना है क्या? बस फाइनली हम पहुंच चुके थे गुरुद्वारा साहिब और यहाँ पर हम मत्था टेक रहे थे, और सबसे पहले हमें गुरुद्वारा साहिब ही हम आए मत्था टेकने के लिए, और बहुत अच्छी फीलिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई थी, और बचपन में गुरुद्वारे आना, समर वेकेशंस में हम जब आते थे पंजाब तो गुरुद्वारे में ही हम शाम को यहीं पर ही होते थे, मस्ती करनी, गलियों में घूमना, खेलना। इस टाइम बच्चे आए थे सबसे ऊपर टॉप पर और ऊपर से देख रहे थे,
जो इस टाइम फीलिंग है मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं, बहुत अच्छी फीलिंग है, साथ के साथ इमोशनल भी हूँ। यहाँ पे बच्चे देख रहे थे, ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ये नैना देवी की पहाड़ियाँ जो यहाँ से दिखती हैं, और इस टाइम बच्चों को बोल रहे थे कि नीचे उतरो और इसके बाद अब हम निकलेंगे घर के लिए। और यहाँ से घर हमारा मीन्स 2 मिनट का ही रास्ता है। तो बच्चे बड़ा नानी हाउस बोलते हैं, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे ताया जी उनकी फैमिली यहीं पर ही रहती है। तो बस अब हम निकल रहे हैं, तो इसलिए बच्चे बोलते हैं कि हम बड़े नानी हाउस आए हैं, बड़े नानी हाउस जा रहे हैं। तो बस मत्था हमने टेक लिया था और हम निकल चुके हैं घर के लिए। और मींस जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये फीलिंग बता नहीं सकती हूँ, इस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बट मींस मैं रोना नहीं चाहती हूँ, बट मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत मींस मैंने अपनी ताई जी को, भाभी को हमने खोया है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो ताज़े मीन्स बहुत ज़्यादा मीन्स मैं बता नहीं सकती हूँ। तो होपफुली आप समझ सकते होगे कि जब आपका कोई जाता है तो कैसा होता है, और उसके बाद जब आप आते हो तो वो सारा फ्लैशबैक कि छोटे होते हुए आप कैसे थे। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हम घर पहुँच चुके हैं, बस आगे गली तक गाड़ी नहीं जाती है, तो गाड़ी हम यहीं पे पार्क करेंगे। आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।